75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर संपूर्ण देशवासियों को, शहरवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। भारतवर्ष अपने स्वतंत्रता के अमृत काल में आया है और यह 75वां गणतंत्र दिवस है, इसलिए यह भी अमृत काल के अंदर आ गया है। तो अब इस अमृत काल में हमें अपने संविधान के अनुरूप चलने का संकल्प लेना चाहिए और अपने संविधान की मान मर्यादा को मेंटेन करते हुए और उनसे बताए गए कर्तव्यों और अधिकारों का पालन करें, जिससे कि हम लॉफुल जीवन जी सकें। लाए हैं कि नई पीढ़ी, जो अभी नए जनरेशन के बच्चे आ रहे हैं, ये हम एकदम से लॉफुल लाइफ जीने के लिए प्रेरित हों और उन्हें नए जीवन के संचार के लिए लॉ का पालन करना, यह शिक्षा देना हम सबकी आवश्यकता है। सेंस के बच्चों के लिए क्या मतलब संदेश? सबसे जो अहम चीज़ है वो ये है कि बच्चे को पढ़ने के प्रति और रेगुलर स्कूल अटेंड करने के प्रति संकल्प होने की आवश्यकता है। पेरेंट्स अपने बच्चों को कुछ थोड़ा सा समय अवश्य प्रतिदिन दें, जो क्वालिटी समय बच्चों को देंगे, उस बीच में उन बच्चों अपने बच्चे के अंदर हो रहे परिवर्तन, उनके विकास और उनके ज्ञान के विकास को जानने की कोशिश करें, ताकि बच्चों को सही दिशा में गाइड कर सकें। आज दिग्भ्रमित हो रहे बच्चे सोशल मीडिया के माध्यम से और उसमें अपना समय ज़्यादा व्यतीत कर रहे हैं, जिससे उन्हें विद्यालय में या स्टडीज़ में समय कम मिलता है। इस दौर में इससे बचने के लिए उन्हें प्रेरित करने की आवश्यकता है और पेरेंट्स को इस पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। बच्चे को यह समझने की ज़रूरत है कि यह जो विद्या अध्ययन का समय है, इसमें अध्ययन करेंगे तो जीवन बनेगा और अपने जीवन के हरेक स्वप्न को वह पूरा कर पाएंगे अगर वह सही ढंग से इनोवेटिव वे में तैयारी करते हैं और कंसेप्ट गेन करते हैं। तो इसलिए बच्चों के लिए यह एडवाइस है कि विद्यालय आना निश्चित करें, सुनिश्चित करें और प्रतिदिन बहुत सिंसियरली क्लास अटेंड करें, अपना होमवर्क क्लास वर्क करें और सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा ध्यान दें, जिससे कि उनका जीवन अच्छा बन पाए।